और यहाँ खुदाई भी हो चुकी है। वो पुराने उस जमाने के भगवान बुद्ध के बहुत सारे प्रतीक प्राप्त हुए हैं। लाखों की संख्या में चल करके दौली प्रखंड परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगा के रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हम उन मनुवादियों को कहना चाहते हैं कि अगर तुम में दम हो तो आओ। आया हुए लोगों को भगवान बुद्ध का संदेश और उसके बाद प्रस्थान के लिए और दिन भर का कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे दरौली बिहार विधानसभा के विधायक कांग्रेस सत्य बाबू को मैं वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान बुद्ध की करुणा बनी रहे, पुष्प अर्पित करें। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, वैशाख पूर्णिमा अमर रहे, वैशाख पूर्णिमा अमर रहे। सर आज बुद्ध पूर्णिमा है और आप पहली बार यहाँ पर मेला लगा हुआ है, आप लोग भी आए हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आज तीतर स्तूप स्थल पर वैशाख पूर्णिमा के मौके पर मेला का जो आयोजन हुआ है, इसके आयोजक के जितने समिति के लोग हैं और खास करके कृष्ण कुमार जी जो आदरणीय शिक्षक भी हैं और इस पूरे कार्य में लगे हुए हैं, उनको अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और देख करके अच्छा लगा और यहाँ खुदाई भी हो चुकी है। वो पुराने उस जमाने के भगवान बुद्ध के बहुत सारे प्रतीक प्राप्त हुए हैं। इसको पर्यटक स्थल के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग के विधायक मत से भी जो कुछ संभव है हम लोग कोशिश करेंगे और माननीय विधायक सत्यदेव राम जी ने अभी कहा भी कि हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इस स्थल को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये अगल बगल के तमाम गांवों से जोड़ करके ये बुद्धा सर्किट के रूप में विकसित होगा। हम लोग का पूरा प्रयास है कि बुद्धा सर्किट के रूप में विकसित हो और दुनिया का एक प्रमुख जो है पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो, दिखे। और आपका क्षेत्र से जुड़ा हुआ धर्मस्थल है और लंबे समय से मांग चल रहा है कि पर्यटक स्थल से जोड़ा जाए और बुद्ध पूर्णिमा पर मेला भी लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? यह बहुत खुशी की बात है और इस मेला के जो आयोजक हैं उनको, कृष्ण कुमार जी को और उनके जितने सहयोगी लोग हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आगे ये मेला और बड़ा बने और बड़ा हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी जो बात है कि अभी तो ये पहली बार हुआ है, शुरुआत हुई है, जो काफ़ी खुशी की बात है और यहाँ आगे हम लोग हर तरह के संसाधन के उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अभी हमने पर्यटन उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों को बुला करके 28 तारीख को मीटिंग किया और उसमें ये पूरा प्रपोजल हमने रखा है और वो लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और अगला बैठक जो 8 तारीख को होने वाला है हम उसमें कुछ निर्णय लेंगे, जिन बातों को फिर हम आगे घोषणा आप लोगों को बताएंगे। हम काम करना जानते हैं, काम करेंगे। इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ग्राम तितरा बंगरा जो तितिर स्तूप है इसको हम लोग व्यापक रूप देंगे और इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा भी दिला के रहेंगे। थैंक यू सर। कई वर्षों से बात हो रही है विकास की, यहाँ पर कोई समय सीमा है इसका? नो, कई वर्षों से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वर्ष में आए हैं। कृष्ण कुमार जी के पहल पर मुझे जानकारी हुई है, हमारे जो पीए हैं संजोग राम अम्बेडकर, उन्होंने बताया। हम लोग अचानक पटना से यहाँ आए और इसका सर्वे किए और हमने उस दिन भी कुछ बातें की है और लोगों से जानकारी ली है और हम जाकर के उस दिशा में वो सारे कार्रवाई कर रहे हैं। यह कई वर्षों की बात नहीं है, ऐसा बात करने से वो बात कुछ गड़बड़ हो जाता है। हम लोग इस साल में जनवरी फरवरी था में हम लोग आए हैं और हम लोग लगातार इसमें काम करने के प्रयास कर रहे हैं और हम उस दिशा में जहां बात होनी चाहिए। हाँ, ये कहिए कि हम लोगों के पहले जिन लोगों ने
जो कुछ कहा है लिखा है उसका कोई मतलब नहीं रहा है, उसका कोई मतलब नहीं रहा है। हमने जा करके देखा है, लोगों के सारे आवेदन इतने था पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने अब शुरुआत की है और हमने आपको बताया कि 28 अप्रैल को पर्यटन उद्योग विभाग का अपना समिति का मीटिंग किया और उसमें बजपता ये प्रस्ताव रखा है और उस पर अध्ययन जारी है। 8 मई को जो मीटिंग हम करेंगे उसमें उसका रिजल्ट आएगा, हम आप लोगों को बताएंगे।